कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, शादी ब्याह का मौका हो या खुशी की बात, हाथों को जब सुंदर बनाना है तो मेहंदी का जिक्र होना तो स्वाभाविक सी बात है। भाई मेहंदी का कोन देख के तो मैं भी नहीं रुक पाई और तुरंत ही लगाने बैठ गई। एक ऐसी छोटी सी चीज़ किसी के मन में ऐसी घर करी कि उसने इसे अपना बिजनेस बना लिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रायपुर में रहने वाली शाहीन रज़ा की। 15 साल पहले उन्होंने एक छोटा सपना था, देखा था कि अपना खुद का एक मेहंदी पार्लर खोलना है। लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, हंसी भी उड़ाई, लेकिन सपना जो था वो पूरा करने का जो जुनून इनके मन में था उसे पूरा किया। आज एक ऐसा दौर देख रही है कि किसी भी दुल्हन के हाथ में जब मेहंदी लगती है ना तो वो शाहीन के ही हाथ की लगती है। कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, हर किसी के हाथ में शाहीन की मेहंदी ही सस्ती है। तो चलिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं शाहीन रज़ा से और जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी चीज़ उनको इतनी कामयाब बना गई कि आज छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके नाम के चर्चे हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं शाहीन रज़ा से। अब्बास मेहंदी पार्लर की संचालिका शाहीन रज़ा आज हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए जानते हैं उनसे कि मेहंदी जैसी चीज़ कैसे उनके लिए एक बिज़नेस का नया आयाम बन गई और उसी बिज़नेस में आज इतनी कामयाब हैं कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे प्रदेशों में जाकर अपनी कला का नया नमूना दिखा रही हैं। शाहीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लिपर28 में। थैंक यू मैम। शाहीन, अमूमन महिलाएँ मेहंदी लगा ही लेती हैं, एक शौक रहता ही है किसी बहाने से, लेकिन आपने इस शौक को बिज़नेस का रूप दे दिया। कैसे सोचा कि ये एक बिज़नेस का रूप ले सकती है? जी, जब मैं 8 साल की एज थी मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ था। दुल्हनों को मेहंदी लगाने लगी, मुझे ऑर्डर मिलने लगे, उन्होंने कुछ शगुन के तौर पे मुझे कुछ पैसे देने लगे तो मुझे बहुत खुशी होने लगी। मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पैसों से मैं कुछ बिजनेस शुरू करूँ। मतलब 8 साल की उम्र में लोग अमूमन खेलते हैं और आपने एक बिज़नेस की सोच अपने दिमाग में पैदा कर ली, तो जब ये सोच आपके दिमाग में आई क्या उम्र रही होगी जब ये मेहंदी, अब्बास मेहंदी पार्लर आपने जब शुरू किया? जी, मेरी एज कम करीबन 15 से 16 साल के बीच की थी जब मैंने ये सोचा था और मैंने घर वालों से डिसाइड किया था कि क्या मैं मतलब मेहंदी पार्लर खोलना चाहती हूँ। और घर वालों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया और उन्हीं की हेल्प के ज़रिए मैं एक मेहंदी पार्लर की शुरुआत की थी। मतलब 15 साल में जब लोग कैरियर के बारे में सोचते हैं आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। 15 साल पहले लोग पार्लर, ब्यूटी पार्लर के बारे में सोचते हैं, मेहंदी पार्लर शायद मेरे जहन में नहीं है कि मैंने कभी सुना हो। तो जब आपने लोगों को बताया कि मैं मेहंदी पार्लर खोलना चाहती हूँ, कैसा रिएक्शन था उनका? जी, जब मैंने लोगों को बताया कि ब्यूटी पार्लर हुआ करता है, मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट बन चुकी हूँ और मुझे ऐसा करना है कि मैं एक मेहंदी पार्लर की शुरुआत करूँगी, तो लोग मुझ पे हंसने लगे, बोलने लगे पता नहीं कैसा चलेगा, क्या है, देखते हैं कैसे करती है, क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ऐसा मुझे लोगों ने कहा था। तो उससे आपको हताशा नहीं हुई? आई मीन, जब आपने शुरू किया लोगों का ऐसा बैड रिएक्शन था आपके काम को लेकर, तो उस समय कैसे संभाला मन को? कुछ लोगों का था ऐसे टाइप का रिएक्शन, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा एकदम एक्साइटेड थे कि शाहीन, वाओ, शाहीन का एक मेहंदी पार्लर कुछ नया सा आने वाला है। जब हम लोगों ने फिर ओपनिंग की, जी हाँ, मेहंदी पार्लर की हमने ओपनिंग की, इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि आज मतलब पहले से ही लोगों की ये तमन्ना हुआ करती थी कि वो एक अब्बास मेहंदी पार्लर की ओपनिंग हुई है, वहाँ में जाना है, दुल्हन की बुकिंग करानी। कई कई दुल्हन तो का सपना ही था जो मुझे बोल के जाती थी कि ना जब मेरी शादी होगी ना तो मुझे मेहंदी आप ही लगाएंगी, शाहीन रज़ा जी से ही लगानी है मुझे। 15 साल पहले जब लोग आपको डिमोरलाइज किए, लेकिन आज एक ऐसा दौर है कि लगभग 80% दुल्हनों के में आपके हाथों की मेहंदी लगती है। 80% लोगों को मैं मेहंदी लगाया करती हूँ, दुल्हनों को खास तौर पे, और काफ़ी लोगों की तमन्ना भी होती, करवा चौथ में भी हमें शाहीन से लगानी है, लाइन लग जाती है, इतने लोगों को संभालना मेरे बस की बात नहीं हुआ करती, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और मैंने अपनी एक टीम तैयार की हुई है, मेरी टीम में कम से कम 50 से 70 गर्ल्स होती हैं जो कि मेरी जगह वर्क करती है, उन्हें भी एक मौका मिलता है, उन्हें एक रोज़गार मिला हुआ है। ये मेहंदी को मैंने बहुत आगे बढ़ाया, मैं क्लासेस भी लिया करती हूँ, क्लास के लिए मेरे पास बाहर बाहर से लोग आया करते हैं, जैसे कि कई लोग अमेरिका से भी आ चुके हैं और दुबई से भी आ चुके हैं, बहुत मतलब अलग अलग स्टेट से लोग आया करते हैं, देशों से आया करते हैं, और मैं उन्हें पूरी ट्रेनिंग दे के भेजती हूँ। बहुत खुशी की बात है शाहीन, आपकी तरक्की देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
शाहीन, एक मन में सवाल कौन देता है कि आज एक ऐसा दौर है जो जब शाहीन ने खोला होगा मेहंदी पार्लर तो बमुश्किल एक या दो पार्लर रहे होंगे, लेकिन आज एक ऐसा दौर है कि रायपुर में ही मुझे कम से कम नहीं नहीं 25-30 पार्लर जाने पहचाने मिलते हैं, जो शायद आपके बराबर के होंगे या आपसे एक दो साल पुराने या कुछ नए भी होंगे। एक कहना चाहिए प्रतिस्पर्धा का दौर आपके सामने आ चुका है, कैसे अपडेट रखती हैं क्योंकि कंपटीशन है, आधे कस्टमर जो पहले आपके पास आते थे अब बढ़ चुके हैं, उनको अपने पास वापस लाना है, उनको बनाए रखना है, तो ये जो कंपटीशन का दौर है, जो प्रतिस्पर्धा का दौर है, कैसे फेस करती हैं आप? मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्चुअली ये है कि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मैं हर हमेशा न्यू पैटर्न्स लॉन्च करती हूँ, जैसे कि जो मार्केट में नहीं मिलता है तो लोग उससे देखकर खुद ही मेरे पास आया करते हैं कि उन्हें उनकी एक जो चाह होती है कि वाकई शाहीन से हमें मेहंदी लगाना चाहिए। कितने भी कॉम्पिटिटर आ जाएँ यहाँ रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ से भी आ जाए, मुझे कभी भी मैं नर्वस नहीं हुआ करती हूँ। मतलब ये कहना चाहिए कि मेहंदी में आप एक्सपेरिमेंट्स हमेशा करती रहती हैं? हाँ बिल्कुल, हमेशा मेरा नया नया एक्सपेरिमेंट होता ही रहता है। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटर को भी यही लगता है कि पता नहीं अब हमने ये लगाई है, अब शाहीन पता नहीं कौन सी फिर डिज़ाइन लॉन्च कर देगी। शाहीन, आपने जो सपना देखा उसे मुकम्मल किया, आज आपकी कामयाबी जो है वो केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बाहर भी है, लेकिन हर बिज़नेस जो विमन होती है वो अपने बिज़नेस को लेकर एक सपना देखती है, आपका क्या सपना है? मेरा सपना ये है कि मैं चाहती हूँ, मेरा एक अभी सपना बाकी है जो कि मैं बता रही हूँ कि मेरा सपना ये है कि अभी मेरा रायपुर में ही है एक अब्बास मेहंदी पार्लर जो मेन है, और इसकी ब्रांच हर जगह हो, जैसे छत्तीसगढ़ में हर कोने कोने में हो, जैसे कि बिलासपुर, अंबिकापुर हो गया और आसपास के जितने भी दुर्ग है, भिलाई है, मैं हर जगह चाहती हूँ कि अब्बास मेहंदी पार्लर की एक एक ब्रांच वहाँ पर हो, ये मेरा अभी सपना है। इंशाल्लाह आपका सपना जल्द ही पूरा हो, मैं इसकी तमन्ना करती हूँ। आपने जो कामयाबी के किस्से हमारे साथ शेयर किए, अपनी जो स्ट्रगल पीरियड है उसको शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहीन रज़ा, आज ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, यदि किसी के हाथों में मेहंदी सजनी है तो वो शाहीन रज़ा के ही पास आती हैं। जाहिर सी बात है 15 सालों का जो लंबा संघर्ष इन्होंने पूरा किया है और आज उसके बाद ही इतनी कामयाबी पाई है। मुझे लगता है आप में भी टैलेंट है, आप में भी हुनर है, बस ज़रूरत है तो आत्मविश्वास से आगे बढ़ने की। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक मुझे दीजिए विदा। होरी लाल के साथ मीनल दीवान, क्लिपर 28, रायपुर।